पिछले 6 महीनों तो लीबिया विच माफिया द्वारा बंदी बनाए गए 17 नौजवानों की वतन वापसी हो गई है। इन्हां विच ज्यादातर नौजवान पंजाब ते हरियाणा नाल संबंधित ने। देश वापसी की सारी प्रक्रिया आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर पदम श्री विक्रमजीत सिंह सानी के यत्ना सदका सिरे चढ़ी है। नौजवानों के वापस परतन का इंतजार कर रहे परिवार अपने बच्चों नूं मिलके बेहद भावुक नजर आए। दस दईए कि इन्हां लड़कियां नूं एक एजेंट ने इटली विच नौकरी देण दा वादा कीता सी ते बाद दे विच लीबिया लजाया गया। सानी ने दूजे देशां विच फसे पंजाबी वसनीकां नूं वापस लियाउण दे लई इस महीने दे शुरू विच मनुखी तस्करी विरुद्ध मिशन होप दी शुरुआत कीती होई है। इस ऑपरेशन दे तहत 50 पंजाबी औरतां नूं ओमान तों, 17 लड़कियां नूं तुर्की तों अते 17 होरां नूं लीबिया तों बचाया गया है। जो हमारे 17 युवा ज्यादातर पंजाब से और हरियाणा से, ये इनको कोई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ये जो अंसर हैं जो पंजाब हरियाणा में उत्तरी भारत में बहुत सक्रिय हो रहे हैं, एक एजेंट ने ये 16 बच्चों से 13-13 लाख रुपया उनके माँ बाप आए हैं डेरा बस्सी से, पानीपत से, करनाल से, पंजाब से, लुधियाना से 13-13 लाख रुपया लेके इनको बोला कि इटली में हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। इनको दुबई ले गए, फिर इजिप्ट ले गए, फिर लीबिया में, लीबिया जैसे कंट्री में छोड़ दिया। आपको पता हालात लीबिया के कैसे हैं? बहुत बुरे हालात भी, चार चार पांच पांच दिन सर खाना नहीं मिलना, मार कुटोनी, काम कराना साढ़े को, बहुत बुरे हालात में। इवें दी कंट्री है सर, बंदा गोली मार के दब देन कोई नहीं पुछता सर। वो तो सरकार कोई नहीं है जी के दी। रोहित कुमार जो पेवा वाला जंट है मदन, उसने भेजा था तो हमको क्या था, सीधा दुबई से सीधा इटली भेजेंगे। उसने लीबिया गलत रास्ते में डाल दिया जी। फिर उससे बाद बच्चे वहाँ परेशान थे, बहुत परेशान करे बच्चे। फिर हमने इनकी सरकार की मदद ले गए, गुरदीप सिंह की, विक्रम सानी की, तो इनकी मदद से अब हमारे बच्चे हमारे वाले पहुँच गए।